प्लस में भी घुसा दे, इसमें घुसा दे ना ऐसे। जा जा आगे जा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आगे तक जानते आगे तक अरे बस कर भाई, वो पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। वो बंदा किधर ना आता यही थे मैम, यही थे दोनों। ये साथ होकर भी साथ थे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। ऐसा ना करना, दम करना कोई। हाँ हाँ ये करना, बड़ा हरामी हो बेटा। ये करना, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को अरे बस कर भाई, वो पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने बजाया, हमारे को भी चला यार। मतलब यार ये क्या बात होती है यार, क्या बताने क्या है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये भी ना हारे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओवरव्यू अपना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग गांव के अंदर जब जाते हैं ना, तो उन लोगों को जानकारी देते हैं, तो उस समय जो है हमारा जैसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या इस तरह की स्लाइड वगैरह दिखाने की सुविधा नहीं होती, तो ये फ्लैक्सी हमने तैयार कर लिए और इसके माध्यम से गाँव में जो है ये जानकारी फैलाते हैं। इधर जो पोस्टर ये 8 लगे हुए हैं, ये सूक्ष्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपको पंचायतें जो है कैसे काम करती हैं। जैसे वो पहला पोस्टर है, तो पंचायत का उसमें लिखा है कि 3 स्तर होता है, एक गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, मिडिल लेवल पे ब्लॉक के स्तर पे वो होती है पंचायत समिति, और जिला के स्तर पे जिला परिषद, नगर परिषद, और इसको मिला के पंचायत जो जिला की पंचायत है, तो वो एक ही होती है जो पूरा सबका विकास का काम देखती है। वैसे दूसरी है, तो ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें होती हैं, क्या है, वो इसमें दूसरी स्लाइड में दिया। तीसरी स्लाइड में राजस्थान में एक वार्ड सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा के साथ साथ वार्ड सभा का भी प्रावधान है, क्योंकि वार्ड सभा छोटी इकाई होती है। राजस्थान बहुत फैला हुआ और राजस्थान के 40,000 गाँवों को 10,000 पंचायत में समेटा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ग्राम सभा के अंदर लोग नहीं पहुंच पाते। 8-10 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ एक पंचायत है, तो वहां से ग्राम सभा के अंदर आना मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है ये वार्ड सभाओं का आयोजन होता है, साल में 2 बार होता है, और वो सारा है उसमें लिखा हुआ है डिटेल में। अच्छा, इधर में जो है ग्राम सभा के बारे में जानकारी, तो ग्राम सभा कब होती है? जैसे अपने यहाँ फिक्स है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर। वेरी गुड। अच्छा, तो इसमें जो है क्या विचारणीय मुद्दे होते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको उसमें भी देंगे बाद में सेशन में। अच्छा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन इसका मूल था। जो पंचायतें हैं इसके अंदर सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति निर्माताओं ने मंशा रखी थी कि सत्ता जो है केंद्रीकृत ना हो के विकेंद्रीकृत हो, डिसेंट्रलाइज हो। तो उसमें जो है पंचायत के अंदर केवल पंचायत ही नहीं, उसमें छोटी छोटी समितियां बनाई, जिसमें ये जो है समितियां हैं 5 किस्म की, तो छठी समिति भी बना सकते हैं, लेकिन 73rd अमेंडमेंट में 5 समितियों का प्रावधान किया गया था। तो वो स्थायी समितियां जो है भाग बंटवारा करके अलग अलग काम कर, जैसे एक समिति जो है महिलाओं का लिए जो भी विकास की गतिविधियां हैं वो देखेंगी, दूसरी कृषि की देखेंगी, तीसरी शिक्षा की देखेंगी, चौथी स्वास्थ्य की देखेंगी। अलग अलग समितियों के अंदर अलग अलग काम का भाग बंटवारा किया हो। फिर पंचायत की आय के स्रोत क्या हैं, ये इसके अंदर जो है हम लोगों ने बताया कि पंचायत की आय के 4 स्रोत हैं। केंद्र का अनुदान आता है, फीस आती है या कर आते हैं, अचल संपत्तियों से आय होती है जो, और फिर जन सहयोग मिलता है। तो ये 4 स्रोत हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब अपन अंदर चलेंगे तो बात होगी, तो इसको आप देखिए। अच्छा, अत्यंत सम्माननीय आगंतुक श्री जगन्नाथ यूनिवर्सिटी श्री सुंदरलाल जी, निदेशक सक्रिया खोरी सेंटर, और श्री अभिषेक जी, आप भी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से हैं, फैकल्टी हैं, उसी के बाद में। हाँ, और सरपंच साहिबा ममता जी, सुभदा जी, और सभी विद्यार्थीगण का मैं हृदय से सौहार्द परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग एक लंबी यात्रा 160 किलोमीटर है यहाँ से, और पता नहीं जयपुर से और आगे कितना है आपकी यूनिवर्सिटी, लेकिन आप लोगों ने एक लंबी यात्रा से आए हैं। बड़ी थकान हुई होगी, रास्ते में दिक्कत भी हुई होगी, लेकिन ये सौहार्द परिवार आपका हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम लोग पंचायतों के लिए पिछले जो है जब से ये पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट आया तब से हम लोग पंचायत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और खासतौर से हम लोग सौहार्द जो है वो महिलाओं के लिए काम करती है। ये सौहार्द की शुरुआत, सौहार्द इसका नाम पूरा है सोशल एक्शन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप लोगों के पास अगर पैड पेन नाम हो तो पीछे में रखे हुए हैं। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चांद देखना है क्या? हाँ भाई, अभी आप झुके नहीं हो क्या? कितना खाना खाओगे, कितना खानी? भूमि जल्दी होता क्यों? ये देख, ये देख, हाथ में जा रही है ये। मतलब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, हाथ में जा रही है ये। भूखे लोग, भूखे लोग खा रही है फिर हाथ में जा रही है। यार आईफोन लेके घूम रहा है तू। भूखे लोग, भूखे लोग। एक और भूखे लोगों में गिनती करते हैं इनकी। तो ये कुछ हमें यहाँ पर नया देखने को मिला। इसे कहते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर जितनी भी धूप है उसको एक जगह एब्जॉर्ब करके इस एक सेंटर ऑफ पॉइंट पे डालता है तो ये गर्म होता है। भारत अभी उन्होंने, सर ने बताया कि इसको एक जगह फिक्स करने के बाद आप यहाँ पे हाथ लगा के, आप सर आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो, गर्म महसूस हो रहा होगा थोड़ा सा। गर्म महसूस हो रहा है ना? बोल बोल। नीचे भी लगेगा, नीचे भी लगेगा। नीचे तो हीट आ रही है। इस तरह से ये गर्म हो जाता है। हाथ लगा ना। अभी सर ने सेट कराया इसको। अभी इधर इधर मैगी भी बना सकते हैं सर। सर अनुज सर, मैगी भी बना सकते हैं कैसे? हाँ बन जाएगी, बन जाएगी। आप इसके अंदर पास्ता भी बना सकते हैं। और क्या क्या? ओके आप इसके अंदर मैगी कुछ भी बना सकते हो आप। वेलकम टू इंडिया गाइस, वेलकम टू इंडिया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वो भी बन जाए। क्या बांट क्या होता है? अरे खाना उनका, दलिया, दलिया बाटी बोले। हाँ, बेसन दलिया बोला है हमारे तो, बेसन दलिया। क्या चीज है ये? छपाई कलर यहीं बनते हैं। ये पागल है, इसके नीचे जाना है, नीचे इनको ब्लॉक कर रखा है। चलो देख के जाए नीचे क्या क्या है यार। कम से कम इनकी इतनी शानदार कुछ फोटोग्राफी कर दो यार। अरे जरा पूरी वो बनाऊंगा सर, इस पे वो बना रहा हूँ मैं। ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। सुन सुन, तू यार बन रही है वीडियो। ठंडा गया नीचे क्या रहा है। इधर देख, ब्लॉग में आ रही है तू। अच्छा तुम आगे जाओ, जाओ तुम। वाह सर भी आ गए, सर ब्लॉग में आ गया। अंशुल मत जा आगे, अंशुल ना सर भी आ गए। आजा आजा लास्ट क्लिप।